ऑल राइट गाइज नो कॉन्ट्रोवर्सी नो पर्सनल स्टोरीज ओनली बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड नॉलेज एंड दोस्तों जब से डेक्स्टर जैक्सन ने अपने टॉप सिक्स प्रिडिक्शन करे मेन्स ओपन डिविजन के तब से बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं सैमसंग दाए नीक वॉकर के बिकॉज सैमसंग द्वदा को उन्होंने टॉप सिक्स में रखा था एंड डेक्स्टर जैक्सन इज लिजन नो डाउट उन्होंने थर्टी ईयर्स तक कम्पीट किया है तो उनका प्रिडिक्शन उनका एक्सपीरियंस सही भी हो सकता है बट तो दोस्तों अगर दोनों की फिजिक्स की बात करें देन जेनेटिकली मुझे लगता है कि नीक वॉकर नहीं है अगर हार्ड फिजिक की बात करें तो तो उनकी फिजिक में सॉफ्टनेस दिखता है हमेशा एंड अगर बात सैमसंग की करें देन उनकी फिजिक हार्ड आती है उनके लिए प्लस पॉइंट जरूर रहेगा पर दोस्तों जजिंग क्राइटेरिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है वो रहता है प्रोपोर्शन जिसको कि जजेस पहले देखते उसके बाद दे गो फॉर कंडीशन एंड दे गो फॉर पोजिंग प्रेजेंटेशन तो दोस्तों जो प्रोपोर्शन की बात करूंगा तो मुझे लगता है कि नी कॉक इज कंप्लीट प्रोपोर्शन का बहुत अच्छा है सिमेट्रिकल उनकी फिजिक आती है कॉर्ड्स में भी इस साल उन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है बट दोस्तों इस साल जो सैमसंग लेग्स है वो नेक्स्ट लेवल जाते हैं एंड जो ग्लूट्स में ग्लूव उन्होंने इंप्रूवमेंट कर रही है आप ये वीडियो देख सकते हो जिस तरीके से सैमसंग दोा ने अपने ग्लूट्स में साइज इंक्रीज किया है दोस्तों ये वीडियो आप देख सकते हो मुझे नहीं लगता कि निक वॉकर उनको टप दे सकते ग्लूट्स के मामले में बिकॉज उनके ग्लूट्स नेक्स्ट लेवल जा चुके हैं ओवरऑल लोअर बॉडी उन्होंने अच्छी खासी बना रखी है अगर अपर बॉडी की बात करें देन स्टिल अपर बॉडी उनकी शोल्डर्स इतने ज्यादा वाइड

के साथ जरूर जा सकता है तो दोस्तों तो तो फ्रंट से मुझे मुकाबला ये 19 बीस लगता है डेफिनेटली बहुत ज्यादा लोगों को निक वॉकर यहाँ पे ज्यादा प्रीफर करेंगे निक वॉकर को बिकॉज निक वॉकर के फैंस ज्यादा है पर दोस्तों सैमसंग इज राइजिंग स्टार तो उनको भी सपोर्ट करना चाहिए अगर डेस्टिनेशन ने उनका नाम लिया टॉप सिक्स में तो मुकाबला किधर भी जा सकता है बट फ्रंट से मुझे लगता है कि जो अगर जजेस इस साल भी देखेंगे अगर निक वॉकर शार्प आते कंडीशन लेके एन ओवरऑल उन्होंने क्वार में भी साइज इंक्रीज करा है देन निक वॉकर फ्रंट से जीत जरूर सकते हैं बट दोस्तों जो इनॉर्मस साइज गेन किया लेग्स में दो नोटिसेबल है तो इस तो आपको इस फ्रंट के मुकाबले में क्या लगता है कितनी बॉकर बाजी मारेंगे या फिर सैमसंग दो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर देना बिकॉज ऐसी बहुत वीडियो अभी आने वाली है सबसे फ्रेश अपडेट आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे ओलंपिया के तो गाइज मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल दोस्तों अब बात करेंगे बैक की दोनों एथलीट की बैक गाइस कंप्लीट बैक आती है बट जो सैमसंग दुदा का यहां पर फोटो है वो उन्होंने शायद से एडिट करके डाला हुआ है यहां पर हो भी सकता है बिकॉज ज्यादा फोटो की शार्पनेस बढ़ गया तो हो सकता है कि उन्होंने एडिट करा हो बट दोस्तों जो वाइड बैग आती है वो नीक वॉकर की आती है बट स्टिल जो सेपरेशन डिटेलिंग के साथ थिकनेस ज्यादा नहीं है निक वॉकर की बैक में बट एट द सेम टाइम सैमसंग दुदा के बैक में थिकनेस बहुत ज्यादा एंड जो हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स उन्होंने डेवलप करे इस पोज में वो डोमिनेट जरूर कर सकते हैं बट दोस्तों जो अपर बैग

एट द सेम टाइम निक वॉकर का फ्लो अच्छा है तो दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे जजेस डिसाइड करेंगे अगर सपोज छः जजेस अगर होंगे तो छह जजेस पे डिपेंड है कि वो किस पे किसको प्रायोरिटी देते हैं अगर उसमें से टॉप फाइव जजेस देते हैं निक वॉकर को प्रायोरिटी देन डेफिनेटली निक वॉकर जीत सकते हैं ऑब्वियसली इट्स अ सब्जेक्टिव स्पोर्ट तो सब्जेक्टिव स्पोर्ट होने के नाते कोई भी इसको जज कर सकता है अगर जिसको प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग नॉलेज हो तो डेफिनेटली आप सभी लोग देख रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है इसके मामले में तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना कि निक वॉकर बीट करेंगे सैमसंग दादा को या फिर सैमसंग दादा बीट करेंगे नीक वॉकर को तो ही आज का वीडियो था एंड ओवरऑल कंपैरिजन था तो दोस्तों अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको जानना है देन आई गो फॉर नीक वॉकर बिकॉज दोस्तों ओवरऑल शार्पनेस फिजिक में अच्छी है कंडीशन अच्छी है तो दोस्तों एज अ बॉडी बिल्डिंग लवर मैं हमेशा कंडीशन को प्रायोरिटी देता हूं आपका क्या ओपिनियन है आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो वीडियो को लाइक like करना है वीडियो को सब्सक्राइब करना है उसके बाद फ्रेश अपडेट्स के लिए आपको बेल आइकॉन भी प्रेस करना है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट सी सून लव यू ऑल